बहुत बहुत बधाई हो, आपकी एक नई फिल्म जो रिलीज हो रही है 4 तारीख को, जरा उसके बारे जी में बताएं। जी ये फिल्म के बारे में मैं बताना चाहूंगी कि एक बहुत ही अलग कॉन्सेप्ट है, एक बहुत ही आप कह सकते हैं कि डिफरेंट काइंड ऑफ स्टोरी है। आप सबसे बहुत हाथ जोड़ के निवेदन है कि जरूर जाएं और देखें। और आप सबके पास के सिनेमा घर में झारखंड में और बिहार में 4 नवंबर को ये फिल्म रिलीज हो रही है थिएटर्स में। और आपको बता दूं कि रेडी। तो इस फिल्म का नाम है एक छैला छे लैला, जो कि आप सबके नजदीकी सिनेमा घरों में 4 नवंबर को रिलीज हो रही है झारखंड और बिहार में। और इसमें मैं बता दूं कि इसका बहुत ही अलग कॉन्सेप्ट है, एक अलग स्टोरी है। और मेरे लिए ये फिल्म बहुत ही मायने रखती है, क्योंकि जब बहुत ही एक दुखद समय चल रहा था कोरोना काल का, और उसके तुरंत बाद ही लॉकडाउन खत्म होने के बाद, ये मेरी पहली फिल्म थी जो मैंने किया था गुड़गांव में। और इसका गाना, इसके जो गाने हैं वो भी बहुत अच्छे हैं। मेरा एक गाना है जो मेरे दिल के बहुत करीब है, और जिसमें इनके मतलब हमारे जो मास्टर हैं, कोरियोग्राफर हैं मयंक श्रीवास्तव जी, हालांकि ये बहुत ही दुखद है कि वो अब इस दुनिया में नहीं है। कोरोना काल के बाद ही उनकी मतलब मृत्यु हो गई, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। तो उन्होंने ही कोरियोग्राफ किया था, और जो उसके निर्देशक हैं हमारे त्यागी जी, रजनीश त्यागी जी, उन्होंने भी बहुत अच्छे से सपोर्ट किया। और सबसे अहम बात की जो हमारे इस फिल्म के हीरो हैं राजीव सिंह जी, उनका भी काम बहुत ही अच्छा रहा है, बहुत अच्छा एक्शन और चीजें हैं, और बहुत सपोर्टिव हैं हम सबको, साथ में लेके उन्होंने काम किया। और आपको इसमें बहुत सारी चीजें दिखेंगी जो अनदिखी होंगी। फिल्म के निर्माता प्रियंदर जी के बारे में कुछ कहेंगे? प्रियंदर जी के बारे में क्या कहें, एकदम घरेलू टाइप हैं, ऐसा कहीं से लगता ही नहीं है कि वो निर्माता है। जैसे ना आमतौर पर हम मूवीज करते हैं तो एक अलग दायरे में चीजें होती है, पर हम आर्टिस्ट होते हुए ये जरूर बोलेंगे उनके बारे में कि वो इतने डाउन टू अर्थ हैं और जमीन से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, कि कलाकारों को बहुत इज्जत देते हैं, सम्मान देते हैं, दिल के करीब रखते हैं। और शायद ही उनके जैसे निर्माता दो चार ही होंगे अपनी फिल्म के इंडस्ट्री और अदर आर्टिस्ट कौन कौन है जरा बताएं। में। जी इसमें उमेश उमेश जी हैं, जो कि हमारे मतलब एकदम दिग्गज विलेन हैं। ब्रजेश त्रिपाठी जी हैं, और कौन है मालूम। और इस फिल्म में हीरोइनों की अगर बात करें तो आपको टाइटल से ही समझ में आ जाएगा कि एक छैला और छह लैला। तो जाहिर सी बात है इसमें लैलाएं जो है वो छह हैं, और हमारी दिल के बहुत करीब मेरी बहुत ही अच्छी दोस्त है जिसका नाम है जोया खान, और अब हम एक बहुत अच्छे एक जुड़ाव लगा हुआ है, और वो उसने बहुत अच्छा काम भी किया है, वो भी साथ में है। सोनालिका प्रसाद जी भी हैं और कुछ नए कलाकार भी हैं, और जो आज की डेट में भी जुड़े हुए हैं और भोजपुरी में काम कर रहे हैं। और ये फिल्म जो है ये मेरे दिल के बहुत करीब है, और मैं चाहती हूँ कि आप सब 4 नवंबर को जरूर जाएं और अपने पास के नजदीकी सिनेमा घरों में इस फिल्म को जरूर देखें और मुझे आशीर्वाद दें। गायक के साथ साथ एक अच्छी आप अभिनेत्री भी जी हैं, जी कितना मेहनत करना पड़ता है दोनों चीजों को लेके? देखिए, बिना मेहनत के तो फल नहीं मिलता, और जो मेहनत करता है ईश्वर उसके साथ होता है। तो मेरे लिए तो ये एक पानी और खाने की तरह है, जिसके बिना इंसान जिंदा नहीं रह सकता। तो अगर मेरे लिए गाना पानी है तो मेरी जो एक्टिंग है वो मेरा खाना है, और ये दोनों ही मेरे जीवन से जुड़े हुए हैं, जिसके बिना शायद मैं तो जिंदा नहीं रह सकती। बिहार यूपी के दर्शकों से आपको क्या उम्मीद है? बिहार यूपी के दर्शकों से मुझे उम्मीद नहीं, उनका आशीर्वाद तो शुरू से मिलता आया है, और मुझे पता है आगे भी मिलेगा। और उन्हीं के आशीर्वाद से मैं आज भी इस भोजपुरिया समाज से प्यार मिलते हुए टिकी हुई हूँ, और आपको इस फिल्म के बारे में कुछ बता पा रही हूँ। तो बस यही चाहती हूँ कि आने वाली मेरी जितनी भी फिल्में हो या मेरी जो भी कोई भी नया पर्व आता है, तो मेरा एक गाना जरूर मैं हर पर्व के लिए रिकॉर्ड करके अपनी जनता को सुनाने के लिए जरूर गाती हूँ। तो जिस तरह से आशीर्वाद आप अभी तक देते आ रहे हैं, वैसा ही आशीर्वाद मेरी इस फिल्म एक छैला छे लैला को भी दें, जो कि 4 नवंबर को आपके सिनेमा घरों में लगेगी। और आगे भी मेरे साथ ऐसा ही अपना व्यवहार बनाए रखें, आशीर्वाद बनाए रखें, बस इतनी ही अनु जी, उम्मीद क्या वजह है कि अभी तक पावर स्टार पवन सिंह, ट्रेंडिंग जी। स्टार खेसारी लाल यादव के साथ ना आपके गाने आए और ना कभी अपने फिल्मों में नजर आई? जी देखिए, एक तो होता है समय और एक होती है किस्मत, और हमारी जो फिल्मी नगरी है उसमें तो समय से ज्यादा किस्मत ही साथ देती है। कभी कभी ऐसा होता है जिनको जो नहीं चाहिए होता है वो मिलता है, और जिनको किस्मत में लिखा रहना चाहिए उनको नहीं मिलता है। तो समय से बड़ा बलवान कुछ नहीं होता। शायद अब तक मेरा समय नहीं आया था, लेकिन छठी मैया की आशीर्वाद होगा, माता जी की आशीर्वाद होगा, तो शायद आगे जाके मैं दिखूंगी और कुछ अच्छा कहना करूंगी। चाहेंगी हीरो का नाम लेके? राजीव जी का,
हमारे जो भोजपुरी के हीरो हैं जैसे खेसारी लाल यादव जी हो गए, पवन जी हो गए, पवन जी के तो गाने मुझे बहुत ही पसंद है। और खेसारी जी को मैं बता दूं कि उनके साथ में मैंने एक फिल्म की है जिसका नाम है शोला और शबनम, और उसका एक फिल्म था एक गाना था पेपर लपेट के, जो कि बहुत ज्यादा ही चर्चा में था और बहुत अच्छा काम किया। क्या टाइटल था गाने, जरा सुनाए जरा अगर याद हो तो। घूमता मार्केट में पेपर लपेट के, ऐसा करके गाना था वो, जिसको हमने शूट भी यही कांदीवली में ही किया था और काफी प्यार मिला था आप सबको, काफी आशीर्वाद। कोई आपका संदेश जो खेसारी जी को देना चाहती हैं, पवन जी को देना चाहती हैं? खेसारी जी को, पवन जी को मैं बस यही संदेश देना चाहूंगी कि हम आप सबके मित्र हैं, दोस्त हैं, आपके इंडस्ट्री से हैं, और अगर आपको मेरा गाना थोड़ा भी अच्छा लगता है तो एक बार कृपा करें और मेरी आवाज को सुने और एक बार आशीर्वाद दें और अपने साथ काम करने का मौका दें। और खेसारी जी को मैं चाहूंगी कि उनको शायद याद नहीं है, लेकिन जब मैंने ये जो फिल्म का नाम लिया शोला और शबनम, इस फिल्म का जब हमने गाना किया था साथ में, उसके बाद हमने साथ में बैठ के हारमोनियम पे बहुत काफी 4 घंटे 5 घंटे तक गाना वाना गाया था। विवेक जी को भी शायद थे, उन्होंने भी देखा था। तो मैं चाहूंगी कि खेसारी जी कहाँ हैं आप? मुंबई शहर तो बहुत छोटा है, पर आपसे मिलने की जो मेरी उम्मीद है, शायद आप इस वीडियो को देखने के बाद वो उम्मीद मेरी पूरी हो जाए। और प्लीज मुझसे जल्दी मिले, मैं आप सब, आप दोनों के साथ जुड़ के और एक अच्छा काम करना चाहती हूँ।